अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने जा रही है। आज की वीडियो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, यानी कि हमारे जो बहन भाई जिनकी तालीमी काबिलियत कम है, जिनके प्राइमरी पास लेके ग्रेजुएट तक है, वो चाहते हैं कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करें और वो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कौन से महकमे में जॉब्स आई हैं, और अच्छी बात यह है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से। आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और क्या क्या प्रोसीजर है, ये तमाम तफसीलात आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, ये कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद में जॉब्स आई हैं, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट का ये अदारा जिसमें कि लेटेस्ट जॉब्स आई हैं। इसमें दोस्तों बीएस 15 स्किल की असिस्टेंट की 7 पोस्टें आई हैं, स्टैंडर्ड एपएस की 14 पोस्टें हैं, टेक्निकल असिस्टेंट की है, असिस्टेंट आईटी की है, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क की हैं, स्टाफ कार ड्राइवर की हैं, डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर जिसे हम डीएम बोलते हैं वो है, नायब का से चौकीदार स्वीपर की जॉब्स हैं। अब दोस्तों, ये इस्लामाबाद में जॉब्स आई हैं, मैं आपको इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ। ये इनका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, इसमें बताया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैबिनेट डिवीजन इस्लामाबाद, असिस्टेंट 15वें स्केल के लिए ग्रेजुएट तालीम मांगी गई है, 18 से 28 साल एज लिमिट है, 7 पोस्टें हैं इसमें मेरिट पे। पंजाब में वुमेन के लिए एक कोटा, सिंध और सिंध के अर्बन और रूरल इलाकों के लिए एक एक पोस्टिंग, तो कुल मिला के 7 पोस्टें हैं। इसके बाद स्टैंडर्ड टाइपिस्ट की हैं 14वें स्केल की, इंटरमीडिएट तालीम मांगी गई है इसमें, 80-40 आपकी स्पीड होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट, इनके आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, 18 से 25 साल एज लिमिट है। इसमें 14 पोस्टें हैं, मैन वुमेन मेरिट पे, और पूरे पंजाब सिंध और केपीके के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की है 14वें स्केल की, इसमें ग्रेजुएट तालीम मांगी गई है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में, 21 से 25 साल एज लिमिट है, इसमें केपीके के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट आईटी की है 14वें स्केल की जॉब है, इसमें भी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, मिनिमम आपका सी ग्रेड होना चाहिए एचईसी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, 18 से 25 साल एज लिमिट है, और मेरिट पे ही जॉब है, इनके आप पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यूडीसी किया गया 11वें स्केल की, और इनके अपर डिवीजन क्लर्क की इंटरमीडिएट तालीम मांगी गई है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, पंजाब और केपीके पे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, टोटल 3 पोस्टें हैं दोस्तों। इसके बाद एलडीसी की है लोअर डिवीजन क्लर्क की, इसमें मेरिट तालीम मांगी गई है, और 30 वर्ड आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पे, 18 से 25 साल एज लिमिट है, 6 पोस्टें हैं इसमें, मेरिट पे एक है, पंजाब में है, सिंध के अर्बन और रूरल इलाकों के लिए है, केपीके में 2 पोस्ट। इसके बाद स्टाफ कार की है ड्राइवर की 4 चौथे स्किल की पोस्टें हैं, प्राइमरी पास तालीम मांगी गई है, और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 18 से 30 साल एज लिमिट है, इसमें दोस्तों 22 पोस्टें हैं लोकल, यानी कि सिविलियन और एक्स सर्विसमैन की। इसके बाद नायब कासर की पोस्टें हैं, प्राइमरी पास तालीम मांगी गई है, 18 से 25 साल एज लिमिट है इसमें। इसके बाद दोस्तों चौकीदार की पोस्टें आती हैं, प्राइमरी पास तालीम मांगी गई है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, और सिविलियन लोकल कराची, यानी कि अगर आप कराची के रहायशी हैं तो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, एक ही पोस्ट है। इसके बाद स्वीपर की पोस्ट है, प्राइमरी पास तालीम मांगी गई है, 18 से 25 साल एज लिमिट है, और इसमें भी सिविलियन मांगे गए हैं, इनके इसमें एक पोस्ट है, टोटल कुल मिला के 68 पोस्टें हैं दोस्तों। जो आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलेगा, www.cabinet.gov.pk, ये इसकी वेबसाइट है दोस्तों। इसका ऑफिशियल लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और अप्लाई करने की इसकी लास्ट डेट जो दोस्तों है वो 29 अक्टूबर के करीब है, इनकी इससे पहले पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसमें कि नेम, फादर नेम, आपने अपनी डिटेल्स बतानी है, फोटो को इनकी अपनी तस्वीर पेस्ट करनी है आपने, इसके बाद अपना एड्रेस बताना है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने के बाद दोस्तों आपने सिग्नेचर करके इस चीज़ को सबमिट करवा देना है दोस्तों। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लीजिएगा। शुक्रिया।